हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 18 अक्टूबर 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ भी ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले टाटा मोटर्स में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में 1.58% का नेगेटिव मूव, 655.70 पे हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली, उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका यहाँ पे कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वन डे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से हमें वॉल्यूम देखने मिला। कैंडल स्मॉल टू मीडियम से ऐसी बॉडी बनी है, दोनों के साइड में बारीक बारीक एक तरह से विक देखने मिल रही है। RSI 62-63 के आसपास आ चुका है, जो स्लाइट एक नेगेटिव मूवमेंट का अभी भी हमें इशारा देता है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उसे भी कंसीडर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ RSI इंडिकेटर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन के स्टॉक में आने वाले दिनों के, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो है 20 अक्टूबर तक जो है क्या होने वाला है स्टॉक में, हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पे हमारे थर्ड वीक वीकली अक्टूबर सीरीज में जो यहाँ पे हमने आपको बताया, जो वीकली का हम जो यहाँ पे एनालाइज करते हैं, तो ऑलरेडी हमने जो है बताया कि स्टॉक हमें नीचे आते हुए देखने मिल रहा है। तो कुछ उसी तरह से हमें अभी भी नीचे के साइड में जो एक्सपेक्टेशन है 639 तक, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये जो है यहाँ पे इसी वीक में फ्राइडे तक आता है या फिर जो है नेक्स्ट वीक में जो यहाँ पे आता है। बाकी ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में बाइंग साइड के अपॉर्चुनिटी को जरूर ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वन आर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वन आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, कुछ सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस भी मार्क्ड है। थोड़ा सा डेटा जो यहाँ पे डिफरेंट हो गया है तो उसको मैं खाली चेंजेस कर लेकर रख देता हूँ। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स जो एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। क्लोजिंग की बात करें तो 656 पे क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 649 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 657 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख लें, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरे ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट का अगला सपोर्ट आता है 640 का, उसके बाद गया 630 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 664 का, उसके बाद गया 670 का। यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताए हैं जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर पॉजिटिव क्लोजिंग है, 657 से लेकर 664 के रेंज में मेरी क्लोजिंग की भी एक्सपेक्टेशन है। बाकी आपको क्या लगता है क्या हो सकता है कल के दिन हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।